इन दोस्तों, मैं मनीष चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे। फ्रेंड्स, ये इंडियन आर्मी के सीरीज का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आर्मी के हेडक्वार्टर, रैंक और उनके इंसिग्निया के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने इंडियन आर्मी के हिस्ट्री और बैटल फाउट बाय इंडियन आर्मी की वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात आती है हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी, जो है 7, 6+1, मीन्स 6 जो है आर्मी कमांड्स है और एक जो है वो है ट्रेनिंग कमांड। सो सबसे पहले आता है नॉर्दर्न कमांड जो है उधमपुर में। इसके बाद आता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, वो कहाँ है? शिमला में। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है वो एक्चुअली शिमला से शिफ्ट होके मेरठ आने वाला है। इसका रीज़न मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखे। बेसिकली इसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और जो टाइम ज़्यादा स्पेंड होता था उसे कम करने के लिए इसे शिफ्ट मेरठ किया जा रहा है। इसके बाद बात आती है वेस्टर्न कमांड की, ये है कहाँ? चंडी मंदिर, हरियाणा। और इसके बाद बात आती है सेंट्रल कमांड की, वो है लखनऊ में। फिर बात आती है कि साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ है, तो है ये है जयपुर में। इसके बाद बात आती है ईस्टर्न कमांड, तो ये कोलकाता में है। साउदर्न कमांड ये है पुणे में। आप यहाँ पे उनके इंसिग्निया को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पहला ट्रेनिंग कमांड का इंसिग्निया है। और भी अलग अलग जो है आर्मी कमांड के इंसिग्निया को दर्शाया गया है, जैसे वेस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड, साउथर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, इसके अलावा ईस्टर्न कमांड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आर्मी हेडक्वार्टर। सो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो चीफ ऑफ COS भी इन जिन्हें कहते हैं, उनके अंडर ये देखते हैं ऑपरेशनल कमांड, कॉर्प्स, डिवीज़न, ब्रिगेड, बटालियन, राइफल कंपनी जिसे हम सिंपली कंपनी भी कहते हैं, प्लाटून और सेक्शन आता है। अगर हम सबसे ऊपर से देखें तो ऑपरेशनल कमांड, फिर आता है कॉर्प्स। आप यहाँ पे देखेंगे जो दोनों दोनों में लेफ्टिनेंट जनरल ही कमांड करते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या होता है, जो कमांड ऑपरेशनल कमांड को कर रहे होते हैं वो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। इसके बाद बात आती है डिवीज़न की, जिसे हेड करते हैं, जिसे कमांड करते हैं मेजर जनरल साहब। ब्रिगेड की बात करें तो इसे, जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसे कमांड करते हैं ब्रिगेडियर साहब। अब बात करते हैं बटालियन या रेजिमेंट की, तो इसे हेड करते हैं कर्नल साहब, और ये टोटल 4 राइफल कंपनी से बना होता है। इसके बाद राइफल कंपनी या सिंपली कंपनी की बात करें तो ये, इसे हेड कौन करता है? इसे हेड करता है लेफ्टिनेंट कर्नल और हमारे मेजर साहब। इसके बाद बात करें प्लाटून की, तो इसे हेड करते हैं GCO। इसके बाद बात करें सेक्शन की, तो सेक्शन में, सेक्शन को हेड करते हैं हमारे हवलदार साहब। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो भी जो पार्ट में डिवाइडेड है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रूप्स कितने होंगे और बेसिकली इनका काम क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कमांड, तो इसे कौन हेड करता है? जो मैंने बताया था पहले, जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल होंगे वो हेड करते हैं। इसके बाद बात आती है कॉर्प्स की, तो इसे हेड करते हैं जो इसके बाद के रैंकिंग के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो इसे हेड करते हैं। और कॉर्प्स का क्या काम है? ये बेसिकली फील्ड फॉर्मेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल, जब युद्ध या वॉर टाइम होता है तो अलग अलग यूनिट को इकट्ठा करके एक फील्ड फॉर्मेशन बनाता है। डिवीज़न, इसे हेड करते हैं हमारे मेजर जनरल साहब, और अराउंड 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स के साथ ये बनता है। ब्रिगेड, अगर ब्रिगेड की बात की जाए तो 3,000 कॉम्बैट ट्रूप्स के साथ बनता है। इसके बाद बात आती है बटालियन की, तो इसे हेड करते हैं हमारे कर्नल साहब, और इसमें बेसिकली इन्फेंट्री जो है मेन फाइटिंग यूनिट होती है, और इसमें टोटल अराउंड 900 कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं। इसके बाद बात की जाए कंपनी की, तो इसे हेड करते हैं हमारे मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। और बात की जाए प्लाटून की,
तो इसे ही हेड करते हैं हमारे जीसी साहब, और ये टोटल तीन सेक्शन से मिलके बना होता है। इसके बाद बात आती है सेक्शन की, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट होती है, यानी इसे हेड करते हैं, और इसे हेड करते हैं हमारे हवलदार साहब, और इसमें 10 10 ट्रूप्स होते हैं। सो आप नीचे से ऊपर देखें तो यही हायरार्की है, सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कॉर्प्स एंड कमांड। अब हम देखते हैं इंडियन आर्मी कमीशन ऑफिसर रैंक एंड देयर इंसिग्निया डिस्क्रिप्शन। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारे कमीशन ऑफिसर है इनका हायरार्की क्या है। सो सबसे ऊपर होते हैं फील्ड मार्शल। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा ये एक ऑनरी पोस्ट है जो आज तक हमारे दो जनरल को मिला है। फर्स्ट जो है वो है मानिक शॉ, एंड सेकेंड है जनरल करियप्पा। और जनरल करियप्पा कौन थे और ये आप हमें लिख के बताएं। बात करते हैं ये फाइव स्टार होल्ड करते हैं, और इनके फर्स्ट फील्ड मार्शल थे वो थे मानिक शॉ, और इन्हें 1973 में फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। और इन्हें क्यों मिला था, 1971 के वॉर में एक अहम भूमिका निभाने के लिए। सेकंड थे वो थे हमारे करियप्पा साहब, इन्हें मिला था 1986 में। की बात करें तो इनके इंसिग्निया की बात करें, नेशनल एम्बलम ओवर 5 पॉइंटेड स्टार ऑल ओवर अक्रॉस बैटन एंड सेवर क्रिम्सन पैच विद दी 4 गोल्डन स्टार। नेक्स्ट चलते हैं, बात की जाए लेफ्टिनेंट जनरल की, तो इनके बैच में होता है एक नेशनल एम्बलम ओवर क्रॉस बैटन एंड सेवर। नेक्स्ट है मेजर जनरल साहब, इनके बैच में होता है 5 पॉइंटेड स्टार ओवर अक्रॉस बैटन एंड सेवर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी है इंडियन डिफेंस इंसाइक्लोपीडिया पे। यहाँ पे हम रेगुलर पोस्ट अपडेट करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वहाँ नोटिफाई भी किया जाता है। और ये बात करते हैं ब्रिगेड की, ब्रिगेडियर की, तो साहब साहब के बैच में एक नेशनल एम्बलम और 3 स्टार होते हैं। कर्नल साहब की बात करें, एक नेशनल एम्बलम के साथ 2 स्टार होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल की बात की जाए, तो इनके बैच पे एक नेशनल एम्बलम और 1 स्टार होता है। मेजर साहब के शोल्डर पे सिर्फ एक नेशनल एम्बलम होता है। कैप्टन साहब के शोल्डर पे 3 5 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं, और जो हमारे लेफ्टिनेंट साहब होते हैं इनके ऊपर 2 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं। ये वीडियो यहीं का समाप्त होता है। जय हिंद।